हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फिल्म की जो रोचक बातें हैं, जैसे कि फिल्म का डेवलपमेंट, कास्टिंग, फिल्मिंग एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और लोगों के द्वारा दिया हुआ रिव्यूज और उनका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में, और ये फिल्म किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई है और थिएटर पर कब तक रिलीज की जाएगी और OTT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कब तक दिखी जाएगी और YouTube पे अवेलेबल है या नहीं, इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने इस वीडियो में मूवी को बहुत अच्छे से रिव्यू किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फिर शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरेंद्र सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में, तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजल्स
टाइम स्किन रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में
आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्म में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी
सहानी राज कपूर, नकली के रूप में हैं शाहरुख खान। तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा। बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक। नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर। नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश देसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक है मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सहानी
की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार्ट ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स यूश जैसे सीव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को
12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापार पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्वर देसेव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल
साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम, मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है। कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ़ दिखने वाला, अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान। भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्म में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी गुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की।
यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ की बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेलिस टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक है मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि
साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में, तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स विश्व जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्त है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक
सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विलय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें स्क्रीन में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग है। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स विश्व जैसे टीवी में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे आर एन बी डी जे के नाम से भी जाना जाता है 2008 की
भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म फिल्में शाहरुख खान ने सुरेंद्र सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमिका महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक है मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी
सुरिंदर और आकर्षक और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेलिस टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है
जैसे कि पीटर सेलर्स यीशु जैसे स्टीव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी
थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि में महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य देसेव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल
ईशान कोप्पिकर नृत्यम प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है।
विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश देसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक भयमूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे। जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक
पैमाने पर रिलीज़ हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहाँ पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स तो इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर
मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्म में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विलय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमिका महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस
एजिल्स टाइम्सकिन रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉक्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विलय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में
आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमिका महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे। जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी
सहानी राज कपूर, नकली के रूप में हैं शाहरुख खान। तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा। बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक। नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल। ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे सीव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सहानी
की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्म में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं तनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की थी। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक है मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को
12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे आर्यन बीडीजे के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं, शाहरुख खान तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं, अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं, विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं, अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में, तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में, तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स जैसे स्टीव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल
साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम, मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है। कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग है। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की।
यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ की बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्म में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सानी गुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि
साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में, तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स सीव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलो ड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में, तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक
सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में स्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने ये टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेलिस टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RENBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की
भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म, फिल्म में शाहरुख खान ने सुरेंद्र सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है, जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी, सहानी, राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा, बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विलय पाठक, नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल, ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग है। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में यशराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश्य जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है। कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ़ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी
सुरिंदर और आकर्षक और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी की रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है, 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज्य फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल ईशान कोप्पिकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग थे। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टार ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स के रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है
जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक है मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल सॉल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी ने बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कोई बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापक पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन Amazon Prime Video पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। रब ने बना दी जोड़ी जिसे RNBDJ के नाम से भी जाना जाता है 2008 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे आदित्य चोपड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और उनके पिता यश चोपड़ा द्वारा यश के बैनर तले निर्मित किया गया है। राज फिल्म में शाहरुख खान ने सुरिंदर सानी की भूमिका निभाई है, जो एक सौम्य स्वभाव वाला कार्यालय कर्मचारी है जो अपने मृत शिक्षक की दुखी बेटी तानी गुप्ता से शादी करता है, जिसे अनुष्का शर्मा ने अपनी पहली फिल्मों में निभाया है। विनय पाठक द्वारा निभाया गया उनका दोस्त बलविंदर बॉबी खोसला अंततः तानी का प्यार जीतने के लिए उसे मजेदार अभिनेता राज कपूर में बदल देता है। फिल्म का साउंडट्रैक सलीम सुलेमान द्वारा तैयार किया गया था और यह आईट्यून्स स्टोर पर शीर्ष 10 एल्बम बिक्री तक पहुंचने वाला पहला बॉलीवुड साउंडट्रैक बन गया था। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो सुरिंदर सूरी सहानी राज कपूर नकली के रूप में हैं शाहरुख खान, तानी सुरिंदर सहानी निगुप्त के रूप में हैं अनुष्का शर्मा बलविंदर बॉबी खोसला सूरी के दोस्त के रूप में हैं विनय पाठक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हैं अनिशा दलाल ईशान गोपीकर नृत्य प्रशिक्षक के रूप में हमें फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी के प्रोडक्शन के बारे में तो रब ने बना दी जोड़ी एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से एक कहानी कहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह संदेश देती है कि साधारण होना अच्छा है। फिल्म निर्माताओं को भरोसा था कि यह लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाने में समक्ष होंगे, क्योंकि फिल्म के लक्षित दर्शक आम लोग हैं। बात करें मूवी के कास्टिंग एंड फिल्मिंग के बारे में तो फरवरी 2008 में आदित्य चोपड़ा ने घोषणा की कि वह रब ने बना दी जोड़ी नामक एक और फिल्म का निर्देशन करेंगे और इसमें उनके भाग्यशाली शुभंकर शाहरुख खान होंगे। मुख्य महिला नायिका एक नवागंतुक होनी
थी, जिसे पंजाबी विशेषताओं वाली एक युवा शालीन महिला की व्यापक प्रतिभा खोज के बाद चुना जाएगा। मई 2008 में हेस्टराज ने 20 वर्षीय मॉडल अनुष्का शर्मा को खान के सामने मुख्य भूमि महिला के रूप में चुनने की घोषणा की। यश चोपड़ा ने यह टिप्पणी की। वही बात करें मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 31 करोड़ के बजट उत्पादन बड़े बजट के मुकाबले मूवी ने 157 करोड़ की कमाई की है। वही बात करें मूवी की ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में, तो रिलीज होने पर फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। लॉस एंजेल्स टाइम्स की रॉबर्ट एबेल ने रब ने बना दी जोड़ी को काफ़ी मनोरंजक कॉमेडी रोमांस संगीतमय कहा है और कहा है कि चुंबकीय खान अपने शारीरिक परिवर्तन के साथ एक कुशल हास्य अभिनेता है, जैसे कि पीटर सेलर्स ईश जैसे शिव में बदल रहा है। जेरी लुइस एक मूर्ख है, इस बात पर विश्वास करना मुश्किल नहीं है कि तानी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के राचेल साल्ट्स ने इसे अपने एक गाने के शब्दों में नरम मधुर और धीमा के रूप में वर्णित किया है। यह चतुराई से मिश्रित होता है, कॉमेडी नए बॉलीवुड का सत्तारूढ़ स्वर मेलोड्रामा के साथ पुराने का शासक स्वर। बीबीसी की मनीष गज्जर ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार रेटिंग देते हुए कहा है कि शाहरुख खान आपको हंसाते भी है और रुलाते भी है। बेवकूफ दिखने वाला अनाड़ी चश्माधारी सुरिंदर और आकर्षक राज अपने आप में एक सच्चा पेशवर खान भावनात्मक और हास्य दृश्यों के दौरान अपने संवादों के साथ माध्यम से सहजता से काम करता है। बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो रब ने बना दी जोड़ी को 12 सितंबर 2008 को दुनिया भर में 30 देशों में 1200 से अधिक स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था, जिसमें विदेशी बाजार के लिए लगभग 300 प्रिंट शामिल थे, जिससे यह पहली बार हुआ कि कुछ बॉलीवुड फिल्म इतने व्यापार पैमाने पर रिलीज हुई थी। वही बात करें मूवी की होम मीडिया, मतलब जहां पर आप इस फिल्म को ऑनलाइन देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इस मूवी को आप ऑनलाइन अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।